में बस 1 से 2 दिन रह गए हैं। अगर अभी तक भी हैंड्स फीट की केयर नहीं की तो आज ही ये क्रीम बनाकर यूज़ करना स्टार्ट कर दें, फिर देखिएगा कि आपके हाथ पांव ईद से पहले गोरे चिट्टे हो जाते हैं। और ईद के बाद तो शादियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी शादी है, आपके घर में किसी बहन भाई की शादी है, अगर आप ख़ुद ब्राइड हैं या ग्रूम हैं तो आपने इस क्रीम को लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि फेस को तो आप खूब सारा मेक ओवर करके अपना गोरा चिट्टा बना लेंगे, लेकिन हाथ पांव कहीं डार्क से रह जाते हैं। और जब मूवी में डार्क से हाथ पांव आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होती है। सो खुद को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए जल्दी जल्दी से अपने हैंड्स फीट की केयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे, हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करे और आपको हमेशा हसीन और जवान रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी 30K फैमिली कंप्लीट कर दी है और आप लोग सपोर्ट करते जाएं। आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। और मेरा ये ड्रीम है कि हम अपने इस चैनल फमीहा ब्यूटी हब को 100K तक लेके जाएं। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी इंस्टेंट हैंड्स फीट वाइटनिंग क्रीम। सो सबसे पहले क्रीम वो लेना है, उसमें आपने लेनी है कोई भी फेयरनेस क्रीम जो भी आपकी स्किन पर सूट करती हो। मैं यहाँ पर होम्यो क्योर यूज़ कर रही हूँ। आप गोल्डन पर्ल, फायजा, फेयर एंड लवली कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। एक आपने क्रीम पूरी ले लेनी है और उसको आपने बोल में निकाल लेना है। अब यहाँ पे कमेंट्स में बहुत सारे लोग आके लड़ने लगेंगे कि फार्मूला क्रीम स्किन को ख़राब करती है। तो बिल्कुल फार्मूला क्रीम स्किन को ख़राब करती है, लेकिन जब आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तरीका मैं आपको बताऊँगी कि यूज़ किस तरह से करनी है, छोड़नी है तो किस तरह से छोड़नी है। आप अगर मेरे तरीके को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस क्रीम से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसको खुद भी यूज़ करती हूँ। तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने ले लेनी है ग्लिसरीन और आपने एक पूरी ग्लिसरीन इसमें ऐड कर देनी है। छोटी वाली लें तो पूरी कर दें, अगर बड़ी हो तो आप इसको हाफ़ कर दें। मैंने हाफ़ ग्लिसरीन पूरी इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि फार्मूला क्रीम्स क्या होती हैं, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करती हैं। उसके बाद आपने लेनी है क्लोबीवेट ट्यूब, और ये है ऑरेंज वाली क्लोबीवेट। इसकी आप क्वान्टिटी यहाँ पर देख लें, बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी लेनी है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, वीडियो को सही तरह से नहीं देखते, पूरी की पूरी ट्यूब इसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद उनके स्किन पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आके फिर वो ये बोलते हैं कि इस तरह की क्रीम्स नहीं लगाएं, ये मतलब सही नहीं होती। बट गलती उनकी भी होती है कि वो गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। सो आपने एक पूरी अगर क्रीम यूज़ ली है बनाने के लिए, तो आपने बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे क्लोबीवेट ऐड करनी है। और ये इसलिए होती है कि आपके हाथ पाँव पर अगर दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, सो वो सारे से ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें 2 अदद वाइटामिन ई के कैप्सूल, और ये यहाँ पर मैं इवियन ले रही हूँ। आप यहाँ पर कॉस्मेटिक शॉप वाले भी ले सकते हैं। 2 कैप्सूल हम इसमें पूरे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम अगेन इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं और क्लियर कर दूं कि ये क्रीम मैं फेस के लिए नहीं बना रही, और ना ही मैं कभी भी फेस के लिए आप लोगों को क्रीम्स रिकमेंड करूँगी, क्योंकि फेस की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इस तरह की फॉर्मूला क्रीम्स फेस पर कभी भी अप्लाई ना करें, वरना आपकी स्किन पतली हो जाएगी और आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा हेयर्स आ जाएंगे, जो कि अनवांटेड हेयर्स होते हैं। वो उनकी 2 ही वजह होती है, एक तो ये फार्मूला क्रीम से, और दूसरा अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, सो उससे भी हमारे जो फेशियल हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपीयर हो जाते हैं। सो फेस पे आपने बिल्कुल भी ये स्टेरॉइड्स क्रीम यूज़ नहीं करनी। फेस की स्किन पे आप अगर चाहें तो आप होममेड क्रीम्स यूज़ करें, उससे आपको कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, आपने 3 अदद वाइटनिंग कैप्सूल्स लेने हैं, एग वाइट कैप्सूल्स, या आपको ईजिली कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाते हैं, वाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं। 3 आपने लेके कट करके उसका मिल्की वाइट टेक्सचर सारा ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे से अगेन मिक्स करना है। अभी यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट हमारा रहता है, उसके बाद हमारी ये पावरफुल सी क्रीम रेडी हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मॉइस्चराइजिंग लोशन। आप यहाँ पे कोई भी लोशन यूज़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स हो, डव हो, जो भी आपके घर में हो आपने वो ले लेना है, और 2 से 3 चम्मच भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने अगेन बहुत ही अच्छे से मिक्स करना
करना है। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं, बट वो फिर ये होता है कि मैस भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा तो ब्लेंडर में ही लगी रह जाती है क्रीम। सो उसके लिए अच्छा यही है कि आप बोल में ही करें, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से इसको बीट करेंगे तो ये इस तरह की क्रीमी सी हो जाएगी। पहले आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी थिक थिक सी थी, मतलब लगाओ तो गाढ़ी गाढ़ी सी। अब ये बहुत ही अच्छी सी लिक्विडी सी लोशन की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब आपने ध्यान से सुनना है कि इसको आपने अप्लाई किस तरह करना है। रात को सोने से पहले आपने अपने हाथ पांव धो के अपने हाथों पे पांव पे आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अच्छे से लगा लेना है और सुबह उठ के आपने हाथ पांव धो लेने हैं, ठीक है। आपने इस तरह से इसको 1 वीक कंटिन्यू यूज़ करना है। 1 वीक कंटिन्यू यूज़ करने के बाद आपको इसके वाज़े रिजल्ट्स नज़र आएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन यूज़ करना है। इस तरह से कर करके अगर आप इसको छोड़ना चाहें आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करती हूँ। मेरी स्किन आप देख सकते हैं, मतलब मैं इस तरह करती हूँ कि 1 दिन लगाती हूँ 1 दिन छोड़ देती हूँ, फिर 2 दिन लगाती हूँ 1 दिन लगाती हूँ फिर 2 दिन छोड़ देती हूँ, इस तरह से करती हूँ मैं। मतलब मैं बिल्कुल कंटिन्यू रेगुलर इसको यूज़ नहीं करती, ऐसे इसको मैं अल्टरनेट डेज पर यूज़ करती हूँ। सो आप लोग इस तरह से भी करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं। सो इससे आपकी स्किन क्या होगी, इस चीज़ की आदी नहीं होगी और आपको छोड़ने के बाद इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। किसी भी चीज़ को एकदम से नहीं छोड़ना, क्योंकि उसके फिर आपको बैड इफ़ेक्ट्स ही होते हैं। अगर आप छोड़ना चाहें तो अल्टरनेट डेज में करके फिर 2 दिन छोड़ दें, 3 दिन छोड़ दें, 1 दिन लगा लें, इस तरह से कर करके आपने छोड़ना होता है, वरना फिर आपको इसके बैड इफ़ेक्ट्स ही मिलेंगे। सो यहाँ पे हमारी क्रीम रेडी हो गई है और यहाँ पे एक से क्या हुआ, ये 2 कंटेनर हमारे बन गए हैं। अब हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये हमारी 3 से 4 महीने ईजिली चल जाएगी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और आपके ऐसे कज़न्स जिनकी शादी है, जो कि ब्राइड या ग्रूम बनने वाले हैं, आपने उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है ताकि वो भी अपनी शादी से पहले अपने हाथ पाँव को चमका लें।